सबसे पहले आप जो है नट लगा लो। ये जो है मेरे छोटे भाई ने नट लगा दिए हैं इसके, इसको मैं टाइट कर लेता हूँ अच्छी तरह से। नट अगर लूज हो गए तो वो पंखा स्पीड नहीं पकड़ेगा, तो आपने सबसे पहले नट लगाना है। नट लगा लिए, अभी देखो ये हमारा छोटा भाई ये लगा रहा है आपके। ये क्या लगा रहे हो आप? तार। हाँ ये देखो तार खराश करा रहे हैं। दोस्तों लाइक तो बनता है, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। अब ये तार क्रॉस करा रहा है ये इसके अंडरने में, ये इसके अंदर से क्रॉस हो गई, ये इसके अंदर से क्रॉस करा रहे हैं। देखो ये देख सकते हैं कि आप इन्होंने तार क्रॉस करा लिए, अब ये टाइट कर रहे हैं। अब ये इसके अंदर टाइट हो जाएगा, फिर इसका ऊपर का केप लगाएंगे इसके अंदर, पहले ये टाइट हो जाए। अच्छी तरह से कस लो, ये देख सकते हैं आप इसके ऊपर इन्होंने कूपर लगा दिया। अब ये नट कसेंगे इसके अंदर नट लगा के। फिर ये रिमोट है, इसके अंदर ये सेल लगेंगे। ये आप देख सकते हैं पहले हम ये सर्किट है, सर्किट सर्किट को हमने किस तरह से लगाना है। इसका जो कनेक्टर है ये कनेक्टर लग जाएगा हमारा इसके सर्किट के अंदर, ये देख सकते हैं हम। ये सर्किट के अंदर कनेक्टर लग जाएगा। चलो हम जल्दी से लगा लेते हैं, फिर उसके बाद ये हमारा इसके ऊपर ये लगेगा, सबसे ऊपर ये आएगा। पहले हमारा सर्किट का लगेगा, फिर उसके बाद ये आएगा। ठीक है, देखते रहिए किस तरह से लग रहा है। ये देख सकते हैं अभी हम ये लगा दिए, ये जो तारे हैं ये हमने 220 में लगानी है। ठीक है, तो ये 220 लिखा हुआ, ये 220 AC, और ये हमने क्लिप लगा दी इसके ऊपर। बस अब हमने इसको खोल के ऊपर टांगना है। ठीक है, और ये जो है अगर ये आप ये जो तारे हैं ये उसमें जैसे सोलर प्लेट लगा रहे हैं ना, या बैटरी से डायरेक्ट चला रहे हैं, तो ये 12 वोल्ट DC लिखा हुआ भी है, और ये लाल जो है प्लस वाली है और काली जो है माइनस की है, तो ये आप लगा सकते हैं अगर डायरेक्ट आप सोलर में लगा सकते हैं। तो अभी हम इसको नहीं यूज़ करें, अभी हमने डायरेक्ट AC DC चलाना है बस। तो बस AC जो है हमने चलानी है और हमने सिर्फ इसी को यूज़ करना है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से हम लगाना हो, फिर चला के स्पीड भी दिखाते हैं आपको। अभी सेल लगा रहा है, देख सकते हैं आप।